नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.1 का दूसरा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में बच्चों हमसे कहा गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास प्रश्न है, हमें एक छोटा वृत्त दिया गया है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। एक और वृत्त दिया गया है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। और हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इन दोनों को प्लस करेंगे, वह तीसरे का क्षेत्रफल होगा। उस फार्मूले से हम इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसको भी बच्चों हम पहले प्रश्न की तरह करेंगे। यहां हम पहले लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, वह त्रिज्या हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बच्चों तीसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के। यहां हम लिख देंगे मान लो। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षे का मतलब क्षेत्रफल, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए बच्चों इसे हल करते हैं। हमें पता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर। पहले वृत्त की बच्चों आर है यानी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, दूसरे की आर यानी दूसरे की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आइए बच्चों अब हम इसे हल करते हैं। देखिए पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर बराबर पाई इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब इसे हल करें। पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर बराबर, बच्चों देखिए यहां भी पाई है, दूसरी रकम में भी पाई है, दूसरे पद में भी पाई है, तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन लेते ही पाई इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में से पाई बाहर कॉमन चला गया, बाकी रह गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस पाई इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से पाई बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए बाकी बच गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों पाई गुना आर स्क्वायर बराबर होगा पाई गुना 64 प्लस 36 होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों अब इसे हल करेंगे हम। आर का होल स्क्वायर बराबर होगा पाई गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई इस आर स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, जब यह बराबर से उधर जाएगा तो यह इसके साथ हो जाएगा भाग, इससे पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आर स्क्वायर आया है 100, हमें निकालना है आर, तो हम क्या करेंगे, R बराबर होगा, यदि R स्क्वायर 100 के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो R किसके बराबर होगा, R का स्क्वायर इसके बराबर है तो R किसके बराबर होगा, इस रकम के रूट के बराबर, यानी 100
सेंटीमीटर स्क्वायर के रूट के बराबर। अब बच्चों देखिए 100 का रूट होता है 10, क्योंकि 10 गुना 10 होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सेंटीमीटर। इसका मतलब आर आ गया है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों आर क्या था, आर थी तीसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास तीसरे वृत्त की त्रिज्या यह बराबर आई है 10 सेंटीमीटर के, और यही हमें ज्ञात करना था तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया है। यदि आपको किसी भी पॉइंट से यह प्रश्न समझ ना आए तो वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देखकर आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।